बोर्ड बने। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसी कविताएं एवं कहानियों को शामिल करा जाए जिससे बच्चों में जो लिंग जाति आदि का भेदभाव है वो सब वो उनके मन से दूर हो जाएंगे। हमारी ये जो कैश पॉलिसी है इसके तहत ना केवल उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी बल्कि उनमें रोजगार भी बनेगा। अंत में मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ ये युवा संगम को मौका प्राप्त करने के लिए जिसके तहत हम अपने भाव इतने लोगों के सामने ला सके। जय हिंद जय भारत। लखीमपुर खीरी के श्री आलोक कुमार सूर्यांश। अगला वक्ता विचार प्रस्तुत करें। इससे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं मंच पर आगमन हुआ है माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का। मैं श्री अपर मुख्य सचिव श्री संजय अग्रवाल जी उच्चतर एवं माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव उनसे अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करें हम सब की ओर से। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे बीच पंडित बिरजू महाराज जी का भी आगमन हो चुका है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से आप उनका भी स्वागत करें अभिनंदन करें। तालियों के पुष्पों से आप अपनी भावनाएं मंच तक पहुंचाएं। और अब लखीमपुर खीरी के श्री आलोक कुमार सूर्यांश जन भागीदारी पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।